आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। करहल में विवाहिता ने रचाई दूसरी शादी, देखता रह गया पहला पति। कहते हैं कि इश्क एक ना एक दिन सर चढ़कर जरूर बोलता है, ऐसा ही मामला जनपद मैनपुरी में भी देखने को मिला है, जहां सात फेरे लेकर सात जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाने वाले विवाहिता गांव के ही मुंह बोले देवर को अपना दिल दे बैठी और आज तहसील मुख्यालय पर अपने सगे पति को छोड़ मुंह बोले देवर के साथ खुलेआम रहने की बात कह उससे शादी भी कर डाली। बहरहाल हल तीन बच्चों की मां की शादी क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी है। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद मैनपुरी के तहसील करहल से जुड़ा है, जहां ग्राम मखिया निनौली निवासी कुलदीप की शादी आज से लगभग 13 वर्ष पूर्व प्रीति से हुई थी। इसी बीच वह तीन बच्चों के माता पिता भी बन गए, लेकिन जिंदगी की आपाधापी में गांव के ही नव युवक प्रदीप कुमार ने उसकी पत्नी की जिंदगी में कब जगह बना ली कुलदीप को पता ही नहीं चला। बात जब ज्यादा बढ़ेगी तब तक देर हो चुकी थी। आखिरकार तीन बच्चों की मां प्रीति ने अपने मुंह बोले देवर से शादी करने का ऐलान कर दिया। आज करहल तहसील मुख्यालय पहुंची विवाहिता प्रीति देवी ने अपने पति कुलदीप से अलग अलग रहने की शपथ पत्र पर लिखा पढ़ी कर दी और विवाहिता प्रीति देवी ने नवयुवक प्रदीप से दूसरी शादी कर ली। शादी में ना बैंड बाजा और ना ही बराती, एक दूसरे के गले में जयमाला पहनाकर दोनों एक दूसरे के हो गए। आखिरकार बेचारा पति कुलदीप असहाय होकर यह सब कुछ देखता रहा। कुलदीप ने अपनी पत्नी प्रीति से शादी ना करने के लिए लाख मिन्नतें की। नौनिहाल तीनों बच्चों की दुहाई का वास्ता देता रहा, लेकिन प्रीति देवी अपने पूर्व पति पर नशेड़ी होने का आरोप लगाते हुए अपने नई दुनिया बसा ली और अपने नए पति प्रदीप के साथ गाड़ी में बैठकर विदा हो गई। बहरहाल तहसील मुख्यालय पर तीन बच्चों की मां की शादी क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी है। आपका नाम क्या है? कुलदीप। अच्छा, आज आप आपकी पत्नी ने यहाँ पे शादी की है, एक दूसरे को माला डाली, क्या है पूरा मामला? एक दूसरे की राजीवाजी है साहब। तो आपने अपनी पत्नी को छोड़ दिया? फिर क्या करें साहब, बिहार उल्टे कर दिए, बिहार उल्टे कर दिए साहब, नहीं रहेंगे। जी आपका नाम? अच्छा, आप लोगों ने शादी की है यहाँ पर आकर के अपने पति को छोड़ के? हाँ जी। ऐसी क्या स्थिति बन गई जो आपने इसको छोड़ करके दूसरी शादी की? ये दारू पीते थे, गांजा पीते थे, मतलब खर्चा पानी नहीं दे रहे थे, दो साल में अपने घर पे रहे, इसलिए मजबूरी में कर लिया। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रदीप कुमार। अच्छा, आज आप लोगों ने तहसील में आकर के जयमाला डाली है, क्या है ये सब मामला बताया? क्या आवश्यकता हुई जो आप जयमाला कर डाल रहे हैं एक दूसरे को? ये हमारा रिलेशन में एक दो थोड़ा वो हुआ है, इनको लोगों ने उधर से इधर क्या ये राजी हमारे लिए निकली हुई तो ये रिलेशन में। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।